कितनी ट्रैफिक हो गई है यहाँ पे जाते वक्त। गाड़ियों की ट्रैफिक, पहाड़ में भी यही हाल है। देखो वीडियो बना रहे हैं पुलिस जी, कितना ट्रैफिक है, लगी हुई है ट्रैफिक जाम। आने जाने में रास्ता पतला हो गया है। चलिए कोई नहीं, हमारा तो हो गया दर्शन अच्छे से। अब हम लोग चले कुछ खाने पीने, उसके बाद फिर आगे कहाँ जाएंगे वो दिखाएंगे। नीलकंठ धाम महादेव का दर्शन अच्छे से हो गया। जो बात में अच्छा लगे रखेंगे, नहीं रखेंगे अच्छा लगे। कितनी गाड़ी आ रही वो देखते हैं। गाड़ी मुझे कहीं सामने राफ्टिंग करनी है। राफ्टिंग देखो कितने लोग कर रहे हैं राफ्टिंग। पानी तो देखो साफ पानी है। ये ओमकार आनंदा पब्लिक घाट है। यहाँ आरती होगा और हम लोग को यहीं से पानी लेना है। उस पार आरती जाना है। चलो दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। लक्ष्मण झूला है वो, पता नहीं कौन सा दो झूला है। चलो बाद में देखेंगे, अभी खाना खाने जाते हैं। मस्त लग रहा है व्यू। देखिए आप सब भी, आरती करने के लिए हम लोग को शायद उस तरफ जाना पड़ेगा, देखते हैं। चलिए हम लोग खाना खाने आए हैं, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलिए हम लोग सूप पी रहे हैं, मंचाओ सूप, उसके बाद खाना आएगा। बाहर निकले देखिए थाली, पनीर मिक्स वेज सलाद, जीरा राइस, कढ़ी, दाल मखनी, रायता, मीठा पापड़, हमारा घर है रोटी। चलिए हम लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग खाना खा लिए हैं और अभी यहाँ से टिकट ले रहे हैं। आपको बैक कैमरा दिखाते हैं, फिर वो बोट पार करके हम लोग को जाना है। बोट पार करके नदी के पार जाना है, गंगा नदी के पार। आरती उधर ही होगा। चलिए टिकट ले लिया। एक वो झूला पता नहीं कौन सा है, ये है कौन सा राम झूला जैसा बोल रहे हैं। पानी तो देखो, हाँ 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 पानी। कितना मस्त पानी, पानी कितना हाई ऊपर तक है। सब रिवर क्राफ्टिंग करके आ रहे हैं, मेरा बेटा भी गया है रिवर क्राफ्टिंग करने, 1.5 घंटे के बाद इधर आएगा। हम लोग तो जा रहे हैं पार, उस नदी के पार, बेटा बाद में आ जाएगा। चलिए बोट में बैठ के हम लोग गंगा नदी को पार कर रहे हैं। छोटी लाई
आती है, बीच में तीन मिल के बन जाती है, अलग मंदा भी मिलती है, मंदाकिनी भी मिलती है। तो गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, क्योंकि भागीरथी स्वर्ग से गंगा जी को मना के लेके आए। आपने कभी शंकर जी के जटा में गंगा जी को देखा? बाटे हुए देखा है। देखा है ना, जब ये धरती पे गंगा जी आने वाली थी ना, हाँ, जब लेके आने वाले थे तो गंगा जी का बोली हमारा तेज है, ये दुनिया का नाश हो जाएगा अगर हम जाएंगे। तब जाकर उन्होंने शंकर भगवान का प्रार्थना किया, गंगा जी को क्या किया। ये बाबा काली तुमने जो राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले थे, अपने माता पिता के साथ में आए, 12 साल के होकर निकल गए। उन्होंने एक ही बस जो जंगल में पहले जगह का नाम था हर्षिकेश। क्या नाम था? हर्षिकेश। हर्षिकेश अभी ऋषिकेश के नाम से। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, बाबा काली कमली जी का केस बड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए इस जगह का नाम हो गया ऋषिकेश। मतलब बाल, बाल। ये हमारी जब तपस्या करते हैं शरीर, भगवान किसको मारे थे, जैसे राम और को मारे थे मेघनाथ, उन्होंने अपने पापों को प्रायश्चित किया। इसी तरह से पांचों पांडवों ने किसको मारा था, अपने गुरु को मारा था द्रोणाचार्य। जब वो अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए जा रहे थे तो एक रात ही विश्राम, जब विश्राम किया आकाशवाणी समझते हैं, आकाशवाणी आप जिस रास्ते में जहाँ ठहरे होने एक शिवलिंग दबा हुआ, उसका स्थापना करके जाओगे भगवान शिव जी आपको दर्शन देंगे। पर भगवान शिव जी ने यहाँ दर्शन केदारनाथ में, उन्होंने स्थापना किया, पूजा की। यहाँ दो जल चढ़ता है, एक तो गंगा जी का ही जल चढ़ता है, एक तो गाय का जल। जब यहाँ पूरे भारतवर्ष से लिख के जो भी रखते हैं, अगर कहीं भी मंदिर का जब निर्माण करेंगे, कहीं भी मंदिर बनेंगे, को लेके जाते हैं उसके नींव में डालते हैं, फाउंडेशन में डालते हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण होता है। आपके घर में कभी आप समय मिलेगा, 10-5 मिनट मिलता है समय, तो लोग राम राम देखते हैं। तो आपके घर में कभी रहेगा, भविष्य में जब आओगे ना तो यही ला कर रखोगे। दूसरा यार रीजन क्या है, यहाँ ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। भगवान जब आए थे अपने पापों को प्रार्थना करने के लिए, तो गंगा जी बहुत शांत आवाज, तब जाके उन्होंने अपने शक्ति द्वारा गंगा जी को पूजा की। इसलिए इसके नीचे में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी ये मंदिर है। ये कभी लोग जाते हैं, जब लोग अब किताब लेके आते हैं, कॉपी लेके आते हैं, तभी यहाँ रहते हैं। ये है गीता भवन, वो जो गाइड है वो इसके बारे में बताएंगे। तब से हम आपको जो वीडियो ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो गाइड कुछ ना कुछ बता रहे हैं। ये यहाँ लेके आए हैं, बाहर तक ही हम ले रहे हैं, अंदर में अलाव नहीं है। फोटो लेना, कैमरा चालू करना। ये वाइट चंदन, सफेद चंदन, ये खुशबू सी कही है, खुशबू नहीं है। हाँ, ये देखिए इधर, हाँ, ये कौन सा पेड़ है, वो भी चंदन है। नीम, नीम जैसा लग रहा है, लाल चंदन। नीम के जैसा लग रहा है वो, कह रहा है अभी साउथ में ज्यादा होता है। अभी बहुत ध्यान से सुनना, ये देखिए सामने एक पहाड़ दिख रहा है ना, हाँ, उसको बोलते हैं मणिकूट पर्वत। एक इधर पहाड़ दिख रहा है उसको शिवालिक बोलते हैं, इसको मणिकूट पर्वत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाल्मीकि। वेलकम टू योर हिमालयन होम। परमार्थ निकेतन, ये है परमार्थ निकेतन। इतने विशाल हनुमान जी हैं, ये घंटा घर है, शिवलिंग, शिवलिंग नहीं सॉरी,
शंकर भगवान की प्रतिमा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उस तरफ से इस तरफ आ गए। वो जो दूर में जो मंदिर दिख रहा है, वो शंकर भगवान जी वहाँ पे वहाँ रुक ठहरे थे, बारात लेके आए थे। भूतनाथ मंदिर है, उनके साथ बहुत सारे भूत प्रेत सब आए थे, तो वो भूतनाथ मंदिर कहलाता है। उसके बाद यहाँ से बारात लेके गए थे कैलाश। और ये अभी हम लोग यहाँ पे गंगा आरती के लिए बैठे हैं ऋषिकेश में। मेरा बेटा अभी तक रिवर क्राफ्ट करके आया नहीं है, वेट कर रहे हैं उसका। चलिए हम लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ में तैयारी हो गया आरती का। आरती होती है तो इसका वीडियो लेके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए पूजा की तैयारी होती है, पूजा अर्चना होते है, फिर आरती चालू होगी। पीछे रिवर राफ्टिंग अभी चल ही रहा है। मंगलाय नमो हरे मंगलम देवानंद गोपाटिकानंद मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूयोर भूतृमंगलम ओं श्री गणेशाय नमः त्रिवेदमूर्ते नमः द्रुपदामनिः मोक्षदायिनिः मागंगादेव्ये नमः शिवगुरुभ्ये नीलकंठाय मूर्ते रामेश्वराय नमः विनाशकधारिणे मातृपुत्रे नमः ओं द्रुपदे नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानरूपिणं पूजाकरं करिष्यामि सिद्धरभवतमेकदा चलिए गंगा आरती अब शुरू। हरिद्वार की ओर प्रस्थान करें, यहाँ की आरती अच्छे से हो गई। पापा को बोलो ले आए, मेरी चप्पल ले आओ बेटा। चलिए बहुत मजा आया ऋषिकेश का आरती में। हरिद्वार के आरती में तो पैर रखने का जगह नहीं ऐसा था, वहाँ तो अच्छे से हुआ नहीं, देखने को मिला नहीं। यहाँ का आरती बहुत अच्छे से देखने को मिला, सुनने को मिला, करने को भी मिला मन से, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हरिद्वार के लिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हरिद्वार आ गए हैं। अभी थोड़ी देर ही हुई है, 5-10 मिनट हुआ है आके हरिद्वार। अपने रूम में आ गए, इतना थक गए हैं कि सीधे फ्रेश होके अपने पलंग में सो गए। पीठ पैर कमर का बैंड बजा हुआ है। तो वहाँ की आरती हमने वीडियो लिया है, बहुत ही अच्छा भव्य आरती हुआ, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी वीडियो में देखिएगा कि कैसा था। और हम तो पहली बार यहाँ आए, बहुत लोग तो आके जा चुके हैं,
बहुत लोग आ रहे हैं मेरी तरह जैसे जो पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमको तो पहाड़ी इलाका बहुत पसंद है, पिछली बार वैष्णो देवी गए थे तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था और बहुत साल के बाद अभी यहाँ आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए ये ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं और थोड़ा रेस्ट करके ही जाएंगे खाना खाने, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि थक गए हैं। तो फिर अभी आगे ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे।